our focus now. Uttar Pradesh government's order making it mandatory for eateries on the cover routes to display the name of owners has garnered criticism from all sides. In fact, joining the chorus, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra slammed the Yogi Sarkar, claiming the move is against the constitution. In fact, let's tell you, Priyanka went on to rip into the Yogi Adityanath-led UP government and accused them of creating division in society based on caste and religion, which is a crime against the constitution, and called for immediate withdrawal of the order, along with action against the officials who issued it in the first place. Let's tell you, the opposition has linked the move to apartheid in South Africa and policies in Hitler's Germany, with Samajwadi Party President Akhilesh Yadav dubbing it a social crime and appealed to courts to take so much cognizance of the matter. The BJP, however, has defended the measure, claiming that it gives fasting Hindus a choice should they want to eat at a pure vegetarian restaurant. But there is trouble within their party ranks, with senior BJP leader and former union minister Mukhtar Abbas Naqvi claiming the move might spread the disease of untouchability. Isn't it? ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये इस तरह का माइंडलेस एक्सरसाइज है। क्या करना चाह रहे हैं इस देश को भाई? गेहूं की बालियां से पूछोगे कि हिंदू के हो कि मुसलमान के हो? ये जो सेब या आम या जो फल रास्ते में बिकते हैं, वो सलमान का ही है, समरेश के खेत से निकल करके आया, उसके पेड़ से। ये जो पानी की टंकियों का केयरटेकर है, कौन है? उस्मान है या उमेश है? कहां ले जा रहे हैं इस देश को? क्या क्या बांटोगे? गेहूं की बालियां? इस देश के मिजाज के साथ मत खेलिए, इसको मत बर्बाद करिए। और अगर प्रधानमंत्री जी और उनकी चुप्पी कुछ कहती है तो प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब आप शरीके गुनाह। देखिए, ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज ही होगी शायद मेरे ख्याल से कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए।